पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीजेपी पर आरोपों के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने भी बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश के आरोप लगाए, लेकिन जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि बीजेपी की ये कोशिश कभी सफल नहीं होगी। जीतू पटवारी से बात की स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी ने। मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी ने भाजपा को आईना दिखाया है। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, आपने जो कहा है? नहीं, मैंने ये कहा है कि बीजेपी जब जब हरकत करेगी तब तब बीजेपी के विधायक उससे व्यथित होंगे, बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि अलोकतांत्रिक व्यवस्था मध्य प्रदेश का अच्छा इंसान नहीं चाहता है। तो बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं। बीजेपी में पहले भी जब सरकार कांग्रेस की बनी थी उस समय भी काफ़ी चर्चा हो रही थी। हाँ, करी थी, पर मिला कुछ नहीं बीजेपी को। मिला वो कि उनके विधायक साथ छोड़ के गए। इस तरह की हरकत ठीक नहीं है। पिछले 15 साल के भ्रष्टाचार को लेकर 100% जो भ्रष्टाचारी है वो बचेंगे नहीं। तो कब तक आखिर देखते जाओ, सही समय पे बताएंगे। ये जीतू पटवारी जी का कहना है कि जो भ्रष्टाचारी है, पिछले 15 साल में जो भ्रष्टाचार किया है वो बचेंगे नहीं और समय पर सब कुछ साफ हो जाएगा, और अभी जो कोशिश की जा रही है जो पहले भी की गई थी उससे बीजेपी को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।